पंजाब मेरा। वाह, आज मिर जाए तो वाह। तो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं वारिस नलवे दा बाय बब्बू मांझी। ये गाना मतलब गाना नहीं इतिहास है। हाँ। ये हमें कमेंट्स में सब दोस्तों ने बताया बहुत कमेंट्स हैं तो हाँ। हमने सोचा ये गाना सुने। हाँ। आपके साथ बैठ के सुने। हाँ। और वारिस नलवे दा मतलब हरी सिंह नलवा जी मतलब बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे सिख आर्मी के और उन्होंने वो हिस्ट्री तो हमने हाँ, पढ़ी हुई है कि टाइगर के साथ ना हाँ, टाइगर के साथ मुकाबला करके टाइगर को मार दिया हाँ, था। बिल्कुल। तो मान साहब इसमें उनकी बात भी करेंगे और इतिहास बताएंगे पूरा। हाँ, तो सुनते हैं वारिस नलवे दा। और ये सॉन्ग है 24 मिनट का। मुझे नहीं लगता कि कोई गाना इतना लंबा आया होगा है ना। मान साहब मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं। ये कितना पुराना सॉन्ग? ये दस महीने पुराना गाना। उठ शेर पंजाबी आयो ए, आ जा कर दे तर्क शराबा। उठ शेर पंजाबी आयो ए, आ जा कर दे तर्क शराबा। शेर पंजाबी आयो है। तर्क का एग्जैक्ट मतलब गाइस आप कमेंट में बता देना पर शायद ऐसे ही बोल रहे हैं कि त्याग करके के त्याग कर दे पंजाबी उठ शेर आप शेर पंजाबी उठो। हाँ। आ जा कर दे तर्क शराबा तू वारस नलवे दा। मतलब पंजाबियों को बोल रहे हैं कि जैसे हाँ। अपना इतिहास में इतने ब्रेव थे सब लोग तो ये शायद जैसे शराब का नाम लिया है हाँ। कि वो सब छोड़ के त्याग करके हाँ। उठो जागो हाँ। क्या मतलब प्रेरित कर रहे हैं सब हाँ। पंजाबियों मतलब को। उनकी हरी सिंह नलवा जी के एक एग्जांपल दी है हाँ, कि हम हाँ। उनके वारिस हैं पंजाबी हाँ। सब तो आप उठो शेर की तरह मतलब उनकी तरह जैसे ब्रेव हो जाओ और लड़ो। ये वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? वही वाला है जो ऐसे मुझे नाम नहीं याद है। पतियां ते नवाबा।
वाह। नंगे करा दोगले मैं जद भी मस्ती दे बिच गावा। मेरे शब्द बरूद जे, मेरे शब्द बरूद जे, भई मैं कलम बंदूक बनावा। नंगे करा दोगले मैं जद भी मस्ती दे बिच गावा। ओ सुर थिरकन फुल्ला ते उंगला बनदियां जान रबाबा।
फड़के।
हिस्ट्री का एक एक हिस्सा उठा के हमें सुना रहे हैं।
ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵਾਰਸ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਜਾਬਾ ਤੂੰ ਵਾਰਸ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਜਾਬਾ ਤੂੰ ਵਾਰਸ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਜਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਜਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਜਾਬਾ ਮਾਈ ਗੋਡ चौबीस मिनट पता भी नहीं लगे कैसे निकले, मतलब मान साहब ही कर सकते हैं यार ये रियलिटी ही लिखते हैं, इसमें तो हिस्ट्री लिखी है, रियल मतलब जो हमें पता होती है चीज है ना वो इन्होंने कैसे हमें बताई है, दोबारा याद करवाया सब कुछ, जो जो सब भूल गए हैं वो चीजें याद करवाई, कुछ कुछ मतलब हर पैराग्राफ मैं गिन भी रहा था शायद बीच में थोड़ा मिस कर गया, 16 पैराग्राफ थे इसमें, 16 पैराग्राफ थे और हर पैराग्राफ में हिस्ट्री का एक पन्ना खोला और हमें बताया बहुत चीजें, हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता थी ठीक है, और अब मतलब वो हम अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो चीजें सर्च करें इसमें 47 की जो वंड हुई थी उसके बारे में बोला वो गया दर्द कि अभी भी ताजा है, अभी वो वंड क्यों हुई है ना, वो बहुत अभी भी दर्द ताजा है क्योंकि हम मतलब अभी अपने ग्रैंड पेरेंट से भी जब बात करते थे वो भी बोलते थे कि हाँ आधे लोग उधर चले गए थे आधे हम इधर रह गए थे, 1984 की बात की है कि वो भी नहीं भूल सकते हम और वो भी सारी जो जख्म है वो ताजे हैं ठीक है, और बहुत हिस्ट्री की चीजें थी वो फ्रैंकली पड़ी हुई हैं सब पर सब भूल जाते हैं ठीक है, अब मान साहब ने गाने की फॉर्म में वो हिस्ट्री बताई है, सब कुछ याद करवा दिया, क्या बात है मान साहब क्या, और जो बाद में बोले हैं आओ पंजाब ते मिर्चां वारिए, वाह यार, मतलब पंजाब को नजर लग गई है और पंजाब पे मिर्चां वारिए, वाह यार क्या बात है, ये तो मान साहब भी कर सकते हैं, मान साहब ने मतलब सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई है कि मतलब जो देखो एक लाइन इन्होंने ये भी बोली है कि हमें दाता देने वाला है, हमें दूसरों की क्या जरूरत है दूसरों के पीछे पीछे घूमने की, भगवान भगवान ही देने वाला है, देते हैं सब कुछ इसमें, मतलब जो करंटली हो रहा है जो चीजें हो रही है ना करंटली जो बोल रहे हैं अत्याचार हो रहा है तो वो रिलेट किया है कि हिस्ट्री में भी ये सब जब हुआ है पर पंजाबियों ने किसी का दाबा वर्ड यूज किया ना कि दबाव पहले नहीं बर्दाश्त किया था अभी भी नहीं करेंगे, तो वो करंट जो भी सीन चल रहे हैं उस चीज को हिस्ट्री के साथ रिलेट करके बताया कि पहले भी अगर ऐसा हुआ था तो वो चीजें नहीं चली थी, सब उन्होंने सॉल्व कर लिया था जैसे मतलब कि, पंजाबियों की या पूरी कौम की जो बहादुरी के साथ वो सब कुछ सही कर लिया था, तो अभी भी प्रेरित ही कर रहे हैं सब पंजाबियों को, हिस्ट्री मत भूलो उठो, शराब की बात की थी तो मतलब वो सब त्यागो, मतलब बहुत चीजें बताई गई हैं यार इस सॉन्ग में, बहुत कुछ बताया गया है, मतलब जो अभी आंदोलन चल रहा था उसके बारे में भी बात की गई है, वो सब मतलब मान साहब और भी पंजाबी सिंगर्स उन्होंने गाने निकाले सबको प्रेरित किया, कभी कभी वहाँ पे जब कोई जवान भी बैठे होंगे थोड़ा उनका भी तो मन डोला होगा ना कि इतना टाइम हो गया वापस नहीं हो रहे, इन गानों ने ही प्रेरित किया और आज वो सब खुशी खुशी हमने देखा ही है खुशी खुशी वापस आए हैं अपना हक जीत के, अपनी लड़ाई हक की लड़ाई जीत के वापस आए हैं, तो काफी बड़ा हाथ था पंजाबी सॉन्ग्स का मोटिवेशन मोटिवेट करने के लिए सबको, यस बिल्कुल, इवन पंजाबी सॉन्ग और हरियाणा में भी सॉन्ग काफी सिंगर्स ने मोटिवेट किया था है ना, पर मान साहब रियलिटी लिखते हैं, पहले रियलिटी लिखते हैं हर सॉन्ग में बताते हैं रियलिटी, इसमें हम जैसे या और भी जो है जो हिस्ट्री भूल चुके हैं याद करवाइए हिस्ट्री की क्या है, मतलब जो चीज हमारी पहले हो चुकी है उस चीज को तो मत भूलो एटलीस्ट, तो गाइस थैंक यू सो मच, तब मतलब हमें पता तो लग ही गया था कि हिस्ट्री पे गाना है, इतने कमेंट्स भी आ रहे हैं सब लोग सब भाई बता भी रहे बता रहे हैं सब दोस्त बता रहे हैं कि जल्दी सुनो जल्दी सुनो, तो फाइनली ये सुन लिया गाइस, तो मतलब
शांत एक बार दिमाग में वो सोचने पे मजबूर हो जाता है बंदा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। यस, जब वो सुर लगा रहे थे वाओ यार जो उनका हो हो, वो देखो मतलब बचपन से हम हो हो वाला सुन रहे हैं, वो जो वाला भी था इसमें। हाँ, वो एक हो 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 हो, हाँ, पहले तो वो नलवे दा कुछ ऐसा बोल रहे थे, पीछे बाद में बोलते थे हो हो, तब तक लगे रहते थे जब तक उनकी सांस नहीं चढ़ती थी। वो बहुत लंबी हेक थी, जैसे मैंने बोला ना मैं गिनने का ट्राई कर रहा था कितने पैराग्राफ आएंगे, 16 आए थे शायद, शायद एक आधा के पीछे हो, पर उसमें जब भी तू वारिस नलवेदा जो वो हुक लाइन आती थी तो उसमें जो हेक लगती थी वो हमेशा कंसिस्टेंट थी, फर्स्ट पैराग्राफ में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, एंड में भी। यही मान साहब की कला है, मान साहब की सोच जो है वो अपनी लिरिक्स से पता लगती है, मान साहब की जो सिंगिंग है वो भी हमें गानों में पता लगती है, जो मान साहब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो भी पता लगती है। अब वो देखो ना कि ना सिर्फ मान साहब करंट सिनेरियो बताते हैं, मान साहब की नॉलेज हिस्ट्री में भी कितनी अच्छी है। बहुत ये मतलब थोड़ा बंदे को ना सोचने पे मजबूर कर देता है ये गाना, और मान साहब हमेशा हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, क्या कुछ था हिस्ट्री में। बिल्कुल। तो गाइस दिमाग एकदम शांत हो चुका है ये गाना नहीं हिस्ट्री सुन के। तो वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को कर लो फॉलो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।